Yeah, that body's the best. Assalamualaikum guys, तो आज की वीडियो मैं रिव्यू कर रहा हूँ Apkina की एक 580 Mark II फ्लैश का। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्लैश की बेसिक जो बॉडी पे आपको चीज़ें मिलेंगी उनके बारे में बताऊँगा, फिर इसकी पावर वगैरह और इसकी स्पीड के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले तो आप अगर इसके हैंड पे देखें, यहाँ पे तो ये टिल्ट टेबल होता है। कोई भी आप हार्ड शू फ्लैश लेंगे उसमें आपको ये टिल्ट टेबल मिलेगा। एक दो शायद सोनी की हैं जो वो टिल्ट टेबल नहीं होती, ये टिल्ट टेबल है। आप इसको यूँ टर्न दे सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे यूँ कर सकते हैं। इसके टिल्ट टेबल होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप फोटो बहुत आपकी ब्राइट आ रही है तो आप इसको अगर उसको सीलिंग की तरफ इसका मुँह करके आप फ्लैश को ट्रिगर करेंगे तो आपके लाइट बहुत सॉफ्ट आएगी जो कि फ़ोटो में बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको साइड वॉल पे टिल्ट करके वहाँ से बाउंस करा सकते हैं, आप सीलिंग से बाउंस करा सकते हैं। तो ये तो बेसिक इसकी जो हेड के बारे में। तो अभी आप थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको छोटे छोटे बटन मिलेंगे ये, तो ये आपको इस फ्लैश में ही मिलेंगे या फिर शायद कुछ और जो जिनके साथ ट्रिगर आता है उनके साथ। ये बेसिकली इसका ट्रिगर के साथ जो आप इसे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वहाँ उसके लिए स्विचेस हैं। तो इसका अगर आप ट्रिगर देखें, ये ट्रिगर मुझे इसके साथ में फ्री में मिला था। ये बेसिक ट्रिगर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास फीचर्स नहीं है इस तरह के गोल्डोक्स X1 में या किसी और ट्रिगर में रहते हैं। ये इसका एक नॉर्मल सा ट्रिगर है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे पीछे आप देखें तो ये सेम आपको बटन फ्लैश में मिलेंगे। यहाँ से अगर आप इन दोनों उसका भी बटन यहाँ से ऑन करके और अपनी मर्ज़ी से चैनल सेलेक्ट करके और यहाँ से भी वही करके तो आप जब इसको ट्रिगर करेंगे यहाँ से तो आपकी फ्लैश वहाँ से फायर होगी। अभी मेरे फ्लैश फायर नहीं हुई क्योंकि मेरे पास ट्रिगर का सेल नहीं है। तो नहीं तो अगर आप यहाँ से इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये आपकी ट्रिगर करता है। ये बेसिकली उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब आपके पास आप फ्लैश को कैमरा से उतार के यूज़, जिस तरह अभी यहाँ पे अगर रख के आप फ्लैश को ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक ट्रिगर ले लें जो आप अपने कैमरे के ऊपर लगा के, जिस तरह गोडा उसका X1 बेहतरीन ट्रिगर है, अगर आप लेना चाहें तो वो लें। X1 है कि 1X है जिसका नाम याद। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। अभी मैं इसको ट्रिगर नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास सेल नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर की लाइट टाइप चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये होती है जब अगर अपनी फ्लैश को फायर करना चाहते हैं बगैर ट्रिगर के, तो ये इसके लिए काम करता है। अब वो किस तरह काम करता है, जब आप अपनी फ्लैश आप अपनी कैमरे की बिल्टिन फ्लैश को ऑन करते हैं या उसमें बटन दबाएंगे तो वो एकदम से पॉप अप हो जाएगी। तो जैसे आप उसको शटर रिलीज़ करेंगे वो फायर होगी, और उसके फायर होते ही ये यहाँ पे एक सेंसर होता है ऑप्टिकल सेंसर, ये उस लाइट को स्कैन करके फौरन फ्लैश को फायर कर देता है, जिससे आपकी फ्लैश सिंक हो जाती है कैमरे से। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ्लैश की स्पीड उतनी ही हो जितनी आपकी कैमरे की है। मसलन अगर आप हाई सिंक पे हाई स्पीड पे शूट कर रहे हैं तो बेसिक वैसे तो आपकी फ्लैश उसे फायर ही नहीं होगी। कैमरे की भी बिल्ट इन फ्लैश की खास स्पीड होती है, वो उससे ज़्यादा फायर उससे ज़्यादा की स्पीड पे जब शटर रिलीज होता है तो फायर नहीं होती। तो उसके लिए आपको ट्रिगर चाहिए होता है जब आप फास्ट स्पीड फोटोग्राफी करते हैं, और ट्रिगर के साथ एक HSS फ्लैश चाहिए होती है। HSS हाई सिंक स्पीड होती है फ्लैशेस की, तो वो आपको चाहिए होती है। तो ये ट्रिगर ये सेंसर इसलिए काम करता है कि जब आपके पास ट्रिगर नहीं और आपको कैमरा इसको फ्लैश को ऑफ कैमरा रख के यूज़ करना चाहते हो तो ये वहाँ पर आपको मदद देगा। तो अगर आप थोड़ा सा और नीचे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रबर है ये, अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको सुराख नज़र आएगा। तीन सुराख होंगे तो तीन पिन हैं। ये यूज़ होती हैं जब आप एक्सटर्नल पावर यूज़ कर रहे होते हैं फ्लैश के लिए। आप फ्लैश को एक्सटर्नली पावर दे के, मसलन अगर आपके पास बैटरीज नहीं है या बैटरीज डेड होने वाली हैं तो आप इसको यहाँ से अडाप्टर के ज़रिए पावर देके भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो अगर तो आप इसके साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपको इसका बैटरी पैक मिलेगा, बैटरी पैक जिसमें आप अपनी बैटरीज लगा सकते हैं, जिस तरह भी ये है। तो इसमें ये 4AA रिचार्जेबल बैटरीज लगती हैं, आप कहीं से भी 500-600 की शायद मिल जाती हैं आपको। लेकिन कई दफ़ा ये ऑफ़र आई होती है, कुछ शॉप वाले दे रहे होते हैं आपको बैटरीज फ्री में, लेकिन मुझे ये फ्री में नहीं मिली थी, अलग से लेनी पड़ती हैं। और अगर आप इसकी बैक साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन मिलेगी और कुछ स्विचेस, ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा, कंट्रोलर स्विच मिलेगा, टेस्ट का मिलेगा और मूड का, जिसे आप स्क्रीन मूड को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ।
अभी ये ऑन है आपकी फ्लैश, तो मैंने अभी ये स्लेव टू मोड पे, अभी स्लेव मोड क्या है, स्लेव मोड उस वक्त फ्लैश को यूज़ करते हैं जब आप ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ट्रिगर से अगर किसी फ्लैश को फायर करना चाहते हैं तो वो इस पर स्लेव मोड पे होगी। अगर आप कैमरे के ऊपर लगा के से फायर करना चाहते हैं तो इसको मैनुअल मोड पे कर दें, यहाँ पे ऊपर इसका मैनुअल का ऑप्शन होगा, एम लिखा होगा, तो आप इसे मैनुअल पे कर दें तो ये आपकी मैनुअली शूट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस साइड पे फ्लैश की देखें तो ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा सुराख नज़र आएगा, ये यूज़ होता है जब आप पीसी सिंक कोई पीसी सिंक टाइप इसकी केबल होती है शायद उसको कहते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। अब इसका मुझे कन्फर्म नहीं है कि इसका इस्तेमाल क्या है, तो अगर फ्रंट पे आ जाएं वापस हेड पे, तो अगर आप इसे यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिलेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मिलेगा ये, और इसके साथ ही ऊपर से कार्ड होगा। ये यूज़ है जब अपने फ्लैश को सीलिंग के साथ तो बाउंस कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक थोड़ी सी स्वीट उस पर अपने सब्जेक्ट पर थ्रो करना चाहते हैं तो ये रिफ्लेक्टर वहाँ पर आपको काम देता है, तो इसे आप वापस अंदर डाल दें। और मैं भी इसकी आपको पावर दिखाता हूँ फ्लैश की, तो अभी इसकी ये सबसे कम पावर पर मैं इसे ट्रिगर करने लगा हूँ, तो अभी मेरी आप देखिएगा बैक साइड पे, ये इसकी सबसे कम पावर है। अभी मैं इसको मैक्स पे करता हूँ, मैक्स होती है 1/1 और सबसे कम होती है 1/28, 1/128 इसकी सबसे कम होती है, तो अभी मैं इसको 1/1 पे कर रहा हूँ जो कि मैक्स है, तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी मैक्स कितनी होती है। हम मैक्स पे इसको यूज़ नहीं करते जब आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हों या फिर कुछ सीन वहाँ पे एरिया इस तरह को जहाँ पर आपको मैक्स यूज़ करनी पड़े, तब भी वैसे हम इसको कम ही रखते हैं। तो गाय आज के लिए इतना था, और सॉरी ये मेरा माउंट बहुत डैमेज है, तो गोल्डन है मैं तो अब माउंट ले रहे हैं फ्लैश के लिए, ये कोल्ड शू माउंट, तो याद रखिएगा कि मेटल में लें प्लास्टिक में ना लें, नहीं तो वो आपकी फ्लैश को कहीं गिरा देगा, डैमेज हो जाएगी जिस तरह भी आप ये जैसे टाइट नहीं होता। मेरे पास एक और भी है प्लास्टिक का लाइट होल्डर है बेसिकली, जो ये अभी इस वीडियो में मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, तो वो है तो प्लास्टिक का लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत आला है, तो अगर तो अभी गोल्डन ऐसे प्लास्टिक का अमाउंट ले रहे हैं तो काइंडली ना लें, क्योंकि ये मैंने वहीं से लिया है और ये काम नहीं करता, ये आपके फ्लैश के लिए ठीक नहीं है, ये डैमेज करेगा, अगर फ्लैश गिर गई तो ये तो सस्ता है, ये तो आप नया ले सकते हैं, लेकिन फ्लैश तो महंगी होती है, क्योंकि अभी देखिए ये फुल टाइट है और ये रोटेट हो रहा है इसके ऊपर। तो गाइस बहुत होगी बेइज्जती, आज के लिए इतना ही था, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन है फ्लैश के बारे में या फिर कुछ और, तो मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूँगा, प्लीज़ लाइव जरूर कीजिएगा। सी नेक्स्ट टाइम।